स्वागत है आप सबका। मैं विवेक बिंद्रा, इंटरनेशनल मोटिवेशन स्पीकर, लीडरशिप कंसल्टेंट, बिजनेस कोच, दुनिया की सबसे बड़ी एयर कंडीशन कंपनी ग्री, दुनिया की सबसे बड़ी कंपनी। अच्छा, ग्री का नाम क्यों नहीं है? ग्री ज्यादा ओईएम करता था, ग्री खुद का एसी नहीं बनाता था, कम बनाता था, दूसरों के लिए एसी बनाता था। ग्री अभी इंडिया पहुंचा नहीं, ग्री दुनिया भर में काम कर रहा है, वर्ल्ड का सबसे बड़ा एयर कंडीशनिंग कंपनी है ग्री। हर दुनिया में हर तीन में से एक एसी ग्री का है। ग्री जो है ये हांगकांग बेस्ड कंपनी है। ये बेसिकली रेजिडेंशियल एयर कंडीशनर बनाना, रेफ्रिजरेशन का बनाना, स्मार्टफोन का बनाना, होम अप्लायंसेस के लिए काम करना, एयर सोर्स वाटर हीटर करना, सेंट्रल एयर कंडीशनर करना, इंटेलिजेंट इक्विपमेंट बनाना, मतलब ग्री जो है ना एक बहुत बड़ा गैमेट है। आज बड़े बड़े ब्रांड्स के लिए ग्री एसी बना रहा है। आज मैं बड़ा खुल के बोलूंगा ग्री के बारे में, क्यों बोलूंगा, दो कारण है। एक साधारण से लड़के की बड़ी सुंदर कहानी और दूसरा प्रोडक्ट का ग्रेट एक्सपीरियंस। अमित हिटलर की कहानी तो मैं आपको बता ही रहा हूं, लेकिन ये जो प्रोडक्ट का ग्रेट एक्सपीरियंस है, जब से मैंने एक्चुअली उन्होंने मेरे को ना बहुत पुश किया कि बिंद्रा जी ग्री का एसी लगा लो, मैं कहा ग्री ग्री अबे क्या है ग्री, नारियल की ग्री जी, हमने तो कभी सुना ही नहीं इसका नाम। अब ग्री का नाम छुपा हुआ था, आपको मालूम ही है, टॉक लेस डू मोर। तो इसने मुझे बोला, इन्होंने एसी भेज दिया मेरे पास, आप लगाना। मैं आपको बता रहा हूं, मैं किसी की तारीफ ऐसे नहीं करता, इसकी तारीफ मैं बड़ा खुल के करूंगा। क्यों मैं बता रहा हूं आपको, अगर आपके जेब में पैसे हैं ना, अगर जेब में पैसे हैं तो आप फ्लाइट किसकी पकड़ो, विस्तारा की है जी, गो एयर की नहीं। अगर जेब में पैसे हैं, फाइव स्टार होटल जाना है तो ओबरॉय में जाओ। अगर आपकी जेब में पैसे हैं, परफ्यूम खरीदना है तो स्किन का खरीदो। अगर आपकी जेब में पैसे हैं तो एसी किसका लो, ग्री का लो। ये एसी ग्री का ऐसा है, मैं आपको बताता हूं, मेरा जो घर है ना वो लकड़ी का घर है, एक लकड़ी का एक हट बना हुआ है मेरा जो घर है, मैं दिल्ली के पास में रहता हूँ, बड़े शांत इलाके में। और लकड़ी के घर में दोपहर में गर्मी बहुत ज़्यादा हो जाती है, दिल्ली में अगर 45 डिग्री टेम्परेचर हो तो अंदर 55 का फीलिंग आता है। और मैंने हर एसी लगा के देखा, चलता नहीं था, लेकिन ये ग्री का एसी जिस दिन मैंने लगाया ना, उस दिन से मैं आज पहले 16 डिग्री टेम्परेचर रखता था, 3 फैन रखता था, फिर भी गर्मी रहती थी, ठंडक नहीं होती थी। इसका मैंने 24 डिग्री सिंगल फैन पर चलाता हूँ, रजाई लेकर के सोना पड़ता है, क्योंकि जो ग्री है ये दुनिया का सबसे पावरफुल एसी है। आज ग्री मिडिल ईस्ट में इसीलिए बहुत चलता है क्योंकि वहाँ टेम्परेचर 50 डिग्री के पार चला जाता है। इसको बनाया है, बाकी सारे एसी जो डे टन के होते हैं वो बनाए जाते हैं 35 डिग्री से 42 डिग्री के हिसाब से, और इनका जो डे टन का एसी है ये बनाया गया 55 डिग्री के हिसाब से। इसके कारण जो एक्सपीरियंस मिला, रात को नींद नहीं टूटी। इनका डबल कंप्रेसर का एक सिस्टम होता है, डबल कंप्रेसर मालूम क्या होता है आपको, ये टू स्टेज कंप्रेसर ये किसी के पास नहीं है, ये सिस्टम खाली ग्रीन ने बनाई, इसकी इन्वेंशन पेटेंटेड टेक्नोलॉजी है। ये सब जगह क्या है, सिंगल कंप्रेसर आपको मालूम है, जब अगर आपने 21 डिग्री सेट कर दिया टेम्परेचर, जैसे ही वातावरण 21 डिग्री के आसपास पहुंचा तो वो ठक करके कंप्रेसर बंद हो जाएगा और वो गर्म हो जाएगा। तो उसके बाद जब वो वापस 21 डिग्री से ऊपर जाएगा, 23-24 डिग्री पर जाएगा, ठक करके कंप्रेसर चालू होगा, फिर ठंडा करना शुरू करेगा, फिर ठक बंद हो गया, फिर चालू हो गया, फिर बंद हो गया, फिर रात भर आपकी नींद टूट जाती है कई बार है जी, ये गर्म हो गया, फिर ठंडा हो गया, फिर गर्म हो गया। ग्री ने क्या किया, टू स्टेज कंप्रेसर है उसका, एक स्टेज क्या करेगा वो 21 डिग्री के टारगेट पर रहेगा, और दूसरा कंप्रेसर क्या करेगा, जैसे ही वो 21 डिग्री पहुंच जाएगा ये उसको ऑप्टिमाइज कर देगा, दूसरे वाला चालू हो जाता है, ये ऑप्टिमाइज टेम्परेचर पे रखता है उसको। आप पहाड़ी पे गाड़ी चलाओ कभी, पहाड़ी पे जब आप ऊपर गाड़ी चलाते हो तो बहुत एनर्जी लगती है, छोटे गियर पे एक्सीलेटर ज़्यादा दबता है, तेल बहुत फूकता है, जब नीचे आते हो पहाड़ी से तो फिर ठीक हो जाती है, रिलैक्स, फिर ऊपर जाते हो तो ऊपर नीचे बहुत जान लगती है। अपनी गाड़ी देखिए ना, पहाड़ी पर जब खड़ी पहाड़ी पर चढ़ती है एकदम ऊपर, तो उसमें क्या है, छोटा गियर और एक्सीलेटर ज़्यादा, उसमें बहुत तेल फूक जाता है, बिजली में भी ऐसा ही होता है। सिंगल स्टेज कंप्रेसर में सब जगह यही प्रॉब्लम है। तो G10 इन्वर्टर टेक्नोलॉजी, जो टेक्नोलॉजी ही इनकी स्ट्रैटेजी है, सुनिएगा जरा मेरी बात ध्यान से, टेक्नोलॉजी एंड R&D इज देयर स्ट्रैटेजी। अभी तक दुनिया में G10 टेक्नोलॉजी अगर किसी के पास है तो वो ग्री की दी हुई है, टू स्टेज कंप्रेसर किसी के पास है तो वो ग्री का दिया हुआ है। इससे चक्कर क्या है, इससे कभी रात को नींद टूट नहीं सकती, और जो बिजली का बिल आता है वो पंखे से कम आता है इसका। यही सबसे बड़ी खास चीज़ है कि ठंडक सबसे ज़्यादा और जो बिजली का बिल वो सबसे कम। मैं थोड़ा क्यूरियस हुआ तो मुझे पता चला ये इतना टेक्नोलॉजी ओरिएंटेड कंपनी है, 5000 रोबोट ये हर साल नए बना देते हैं क्या, हाँ 5000 रोबोट नए बना देते हैं, आदमी नहीं काम करते जी, रोबोट से ही काम कर रहे हैं, ये रोबोट बनाते हैं, अपने लिए भी यूज करते हैं, दूसरों को भी भेज देते हैं। 60 मिलियन एसी बना रहे हैं जी, 3 R&D सेंटर, इनके प्रोडक्शन कैपेबिलिटी इतनी बड़ी है कि लगभग 3 लाख स्क्वायर मीटर, वेटिकन सिटी है जी उसके लगभग बराबर है, वो 4 लाख स्क्वायर मीटर है इनकी खाली फैक्ट्री, 3 लाख स्क्वायर मीटर की है। फिर मेरे को पता चला जी, बड़े कॉर्पोरेट के लिए उन्होंने काम किया, पैनासोनिक का एसी ये बना रहे थे, वर्लपूल का ये बना रहे थे, सीमेंस का ये बना रहे थे, डाइकिन के लिए इन्होंने काम किया, जापान में डाइकिन का एसी इन्होंने बनाया, यूरोप में डाइकिन का एसी ग्री ने बनाया, सैन्यो का, GE का, ETA का, ऑनिडा का, ब्लू स्टार का, वोल्टास का, व्हाइट वेस्ट, बहुत सारे बड़े ब्रांड्स के लिए OEM में बना रहा था। क्या कमॉन, मैंने बोला था टॉक लेस, बिल्कुल बात नहीं करता ग्री, खाली काम करके दिखाता जी, है जी, डू मोर। और ये इस चक्कर में ग्री आज दुनिया की सबसे बड़ी कंपनी, हर तीन में से एक एसी ग्री का था। मैंने अपने फार्म हाउस पे इलेक्ट्रिशियन को बोला बिजली कंजम्पशन चेक कर, तो मैं चेक किया जी, समझ में आता है कि LED जो है वो 10 वॉट पे चलती है, CFL 14 वॉट पे चलता है, पंखा 35 से 50 या 100 वॉट पे चलता है, लेकिन जो कूलर होता है
वो 100-150-200 वॉट पे चलता है, कोई भी बड़ा 1.5 टन का एसी 2000 वॉट पे चलता है, 2200 वॉट पे भी चलता है, लेकिन केवल ग्री का एसी जो क्या 250 वॉट पे चलता है, कूलर से कम। लोग एसी तो खरीद लेते हैं लेकिन बिजली का बिल मैनेज नहीं कर पाते। ये मैंने पूछा इनसे, ये किया कैसे? टेक्नोलॉजी। रिटेलर डिस्ट्रीब्यूटर इसीलिए इनका एसी लेकर के आ रहा है क्योंकि कंज्यूमर बात में पूछ रहा है ग्री कहाँ है, ग्री कहाँ है। मैंने ग्री के बारे में सुन रहा हूँ, आजकल ग्री की बात हो रही है ना, आप देखते हो अमेरिका के अंदर भी जो मैनहट्टन है वहां पर टाइम्स स्क्वायर पे भी आजकल ग्री आ रहा है, ओलंपिक्स में ग्री आ रहा है। पर मेरा वादा है मैं इतना सस्ता कर दूंगा एसी को कि उसका खरीदना जरूर महंगा होगा पर चलाना उसे पंखे के बराबर सस्ता होगा। थैंक यू, थैंक यू, धन्यवाद, धन्यवाद।